मॉर्निंग गाइस। सो मैं उठ गई हूँ अभी, मेरे को आ जाना है स्पेक्ट्रम मॉल। एंड उससे पहले अभी मैं नहाती हूँ, धोती हूँ, तैयार होती हूँ, देन ऑफिस जाती हूँ। ऑफिस में तो ब्लॉग नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ऑफिस में कौन ब्लॉग करता है, लाइक मैं तो कभी नहीं करने वाली। एंड इसके बाद मैं जाऊँगी स्पेक्ट्रम मॉल, वहाँ पर जाके आपसे मिलती हूँ। एंड वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है क्योंकि मैंने ना स्पेक्ट्रम मॉल जब गई थी लास्ट टाइम वो तब बन रहा था, लाइक बहुत कम बना हुआ था। लेकिन अभी ना उसका लाइक नीचे वाला जो ग्राउंड है, लोअर ग्राउंड फ्लोर एंड वो सब कुछ बन गया है। काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स वगैरह ओपन हो गए वहाँ पर, खाने वाने की चीज़ चटोरी लाइक जो मुझे पसंद है वो वाली चीज़ें, ऑप्शन ज़्यादा है खाने पीने के। एंड इवन वहाँ पे ना एक्टिविटीज़ भी हो सकती है, तो सारा मेरे को एक्सप्लोर करना है और साथ में करेंगे, मैं और तुम साथ में करेंगे। ठीक है, मिलती हूँ जल्दी से स्पेक्ट्रम में, चलो। अगर आप मेट्रो से आ रहे हो तो नियर बाई मेट्रो स्टेशन होगा सेक्टर 50, देन वहां पे आपको उतरना है। सामने देख रहे हैं ना, वो है इसका स्पेक्ट्रम मेट्रो का गेट। पार्किंग के लिए दूसरा वाला गेट है, आगे की साइड जाओगे वहां पार्किंग के लिए मिल जाएगा। एंड डायरेक्ट एंट्री करने के लिए यहाँ से एंट्री कर सकते यहाँ हैं। से ना एंट्री होगी स्पेक्ट्रम मॉल की और ये है एंट्री। सो यहाँ पे ना ये पार्क है, मैंने यहाँ से एंट्री करी है। एंड सामने देखिए ये है पूरा स्पेक्ट्रम मॉल एंड ये है पार्क जहाँ पे मैं थोड़ी देर वॉक करूंगी। एंड काफी अमेजिंग पार्क है, नियर बाई जिसका ऑफिस है ना उसके लिए तो मजे हैं, जैसे कि मैं। एंड यहाँ पे बगल में आप लोगों को बहुत सारी स्टॉल देखने को मिलेगी, ये जो कपड़े वगैरह। इवनिंग में ना ये बहुत ज्यादा लिट हो जाता है, लाइक बहुत सारी लाइटिंग वगैरह हो जाती है। अगर आप इवनिंग में आ रहे हो, लाइक 6 बजे के बाद आ रहे हो ना, आपको एक अलग ही देखने को मिलेगा, मजा आ जाएगा आपको। एंड ये सामने जो गेट देख रहे हैं इससे एंट्री करेंगे। इसमें ना काफी ज्यादा, आप लोगों ने देखा होगा, काफी ज्यादा ब्रांड्स ओपन हो गए हैं। जेपी हो गया, टाइटन हो गया। इसके नीचे के 2 फ्लोर ना पूरे, जो लोअर ग्राउंड और ग्राउंड फ्लोर, ये 2 फ्लोर पूरे फुल हैं। बाकी ऊपर बन रहा है अभी, स्टिल वर्किंग में है, लेकिन नीचे के फ्लोर चल गए हैं, जो कि बहुत सही है। एंड यहाँ से एंट्री लेनी है। एंड यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कितने सारे ब्रांड्स हैं, न्यूमी है, डब्लू है, ये स्काई जम्पर है नीचे लोअर ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ पे बच्चे आपको कूदते हुए दिखाई देंगे। एंड काफी ज्यादा प्यारा है यार यहाँ पे। मैंने ना काफी लोगों, बड़े भी जाते हैं स्काई जम्पर में करने के लिए, लेकिन ये मोस्टली ट्राई, ये किड्स वगैरह के लिए, अगर आपके बच्चे हैं ना तो उनके लिए आप लोग आ सकते हो। उन्हें उनके लिए ये इस टाइप की एक्टिविटीज ना बहुत इंटरटेनिंग होती है, मजा आता है बच्चों को। एंड आप लोगों को भी आएगा तो आगे मैं दिखा दूँ काफी ब्रांड्स। उधर की साइड मार्केट है, इधर मैं खड़ी हूँ एंड तो यहाँ पे सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। इवन आप लोग आई के लिए देख रहे हो, टाइटन आई प्लस है, डब्लू है, इवन हिमालय का भी है, देखो न्योमी है, सारे ब्रांड्स है। ये क्या है, स्केचर है, सारे ब्रांड्स है यार। सो ये वाला गेट देख रहे हो, ये अपोजिट साइड वाला गेट है जहां से मैंने एंट्री ली थी। यहाँ पे पूरा स्पेक्ट्रम मॉल का ना पूरा ब्लूप्रिंट और नक्शा टाइप जो बना होता है वो बना के रख रखा है, कि पूरा ये वाला गेट है, एक बैक साइड वाला गेट है, सब कुछ दिखा रखा है। एंड ये ना काफी काफी अच्छा लगता है यार जब वहां पे होते हो ना, बहुत सही लगता है। एंड इसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ पे कॉप्स भी अवेलेबल है, यहाँ पे छोटी छोटी इस टाइप की फूड स्टॉल्स होती हैं, वो मिल जाएंगी आपको। जो खाने का मन है, मंचिंग करने का मन है, वो कर सकते हो। डब्लू में काफी अच्छा कलेक्शन आया हुआ है, आप लोग जानते हो वेडिंग सीजन चल रहा है तो सब जगह ऑफ वगैरह भी मिल रहे हैं। एंड ये कॉप्स में काफी अच्छे अच्छे आप ब्लेजर्स एंड ऑल देखोगे। यहाँ से मैं लूंगी अपने लिए कोन लूंगी, एंड चॉकलेट कोन जो कि 39 रुपीज का था आई गेस, एंड वो लेके हम लोग खाते खाते पूरा एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे है ना काफी नेल आर्ट वगैरह के लिए भी, अगर आप करवाना चाहते हो वो भी मिलेगा, काफी अच्छा हो गया है। नोएडा में हो तो एक बार जरूर आना क्योंकि यहाँ की जो थीम है ना, जैसे बाहर आप लोगों ने देखा होगा ये पूरे येल्लो कलर का है, काफी अच्छी थीम थी, मजा आ गया था। यहाँ मैं अपनी आइसक्रीम इंजॉय करते हुए ऊपर की साइड जा रही हूँ। एंड वहां पे है ना, तो गाइस मुझे लगा था ना ऊपर बना होगा, बट ऊपर सब कुछ खा लिया, बस एक दो दुकान बनी हुई है लाइक दिस। सो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ऊपर से ऐसा कुछ दिखता है। एंड काफी एक ये ना पूरा बना हुआ नहीं है, लाइक मैंने पूरा एक्सप्लोर करा तो बिल्कुल भी बना हुआ नहीं है ऊपर की साइड। वो ये लोअर ग्राउंड फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर में आपको बहुत सारे ब्रांड्स दिख जाएंगे। जब ये पूरा बन जाएगा ना, गॉड इट्स लुक अमेजिंग।
पर थोड़ा मतलब ऊपर के दो फ्लोरों पर थोड़ा कुछ लग रहा है, इसके ऊपर मैं जाके चेक करती हूँ क्या क्या है एंड देन आप लोगों को बताती हूँ। वैसे भी ना यहाँ कौन सा फ्लोर है, आई थिंक सेकंड फ्लोर है, बस इस पर एक ही ओपन है दुकान ये वाली, बाकी और कोई नहीं है। बाकी इसके ऊपर वाले पर एक बार देखती हूँ अगर होती है तो। मैं चल रही हूँ, लेट्स सी क्या होता है। आई एम सो नर्वस, ना थोड़ी लाइट है। इट्स लुक नाइस। व्हाट द हेल, स्टे इन द नेम, वाओ। यहाँ ना एक दो कैफे हैं तो आप लोग चेक कर सकते हो एंड बाकी और कुछ तो मुझे लग नहीं रहा। सो यहाँ पे जो तीन कैफे मैंने देखे थे उसमें से एक ये वाला जो कैफे था जोको डिनर वाला, इसका एकदम जो पिंटरेस्ट वाइब थी, गाइज आई रियली लाइक दिस कैफे लिटरली। इसके ये आगे वाला तो अभी ओपन नहीं था लेकिन ये भी ओपन होने वाला है क्योंकि पूरा बन गया है, कुछ दिनों में ओपन हो जाएगा। ये भी काफी सुंदर दिख रहा है एंड लेकिन इसके आगे वाला जो मैंने दिखाया था ना, ये जोको डिनर वाला, भाई ये वाला कैफे ना, ये वाला जो रेस्टोरेंट है इसमें ना इसकी थीम आप लोग देखिए, लिटरली जो पिंटरेस्ट वाली होती है ना, जो लड़कियों को बहुत ज्यादा पिंकिस वाइब वाली थीम पसंद होती है, तो यहाँ पे आके आप बर्थडे पार्टी या डिनर विनर के लिए आ सकते हो। काफी सुंदर कैफे है, नोएडा में ऐसा सुंदर कैफे आप लोगों को मिल गया है। सो नेक्स्ट ये वाला कैफे भी है जो काफी ब्यूटीफुल कैफे है यार, ये वाला भी मेरे को काफी अच्छा लगा, मतलब जो एकदम वैसी वाइब होती है ना थोड़ी न्यूट्रल वाली, वैसी थी। काफी अच्छे अच्छे आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ये बारबेक्यू नेशन कंपनी पूरा ओपन हो गया है यहाँ पे, वो ये है कि बुफे सिस्टम होता है, काफी अच्छे से आप लोग बारबेक्यू वगैरह कर सकते हो एंड पूरी फैमिली के साथ आ सकते हो। प्राइसिंग भी ज्यादा कुछ नहीं है, मैं ना आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पर नंबर भी दे दूंगी, मैंने नंबर लिया था तो वहां से आप कॉल कर लेना, भैया को कॉल कर लेना, वो डायरेक्ट आप लोगों को वहां से बुक भी कर सकते हो नंबर के थ्रू, एंड व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है। तो इसके आगे है ना लिफ्ट वाला एरिया है जहां से अगर आप लोगों को नीचे जाना है। देन इसके बाद मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि देन इसके बाद आप यहाँ से डायरेक्टली लिफ्ट एंड स्टेयर से नीचे जा सकते हो। इसके अलावा मैं बताऊँ, जो मैंने ये रेस्टोरेंट वगैरह आप लोगों को दिखाया है ना, ये D&D रेस्टोरेंट है जो कि काफ़ी अच्छा है, अगर ये आप लोग ड्रिंक वगैरह भी करते हो वो भी यहाँ पे अवेलेबल होती है। एंड इसके बाद मैं आप लोगों को ये वाली बात बताने वाली थी कि यहाँ पे ना अगर आप फोटो क्लिक वगैरह करते हो ना, लाइक जो अच्छी अच्छी पिक्चर्स देखते हो आप लोग लड़कियों के इंस्टाग्राम पे, वो यहाँ पे आप लोग ले सकते हो, काफी सुंदर सुंदर पिक्चर्स आ जाएंगे आप लोगों की। एंड इसके बाद मैं जाऊंगी लोअर, हाँ लोअर ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि ऊपर तक मैंने देख लिया कि इसका जो ग्राउंड फ्लोर है एंड लोअर ग्राउंड फ्लोर है वो ही पूरा अच्छे से बना हुआ है, बाकी ऊपर थोड़ी थोड़ी कैफेज वगैरह ओपन हो गए हैं। एंड ये देख रहे हो यहाँ पे ये पूरी फ्लोरिंग जो है वो कांच वाली है, शीशे वाली है। देन ये मैं यहाँ से अब नीचे जाने वाली हूँ, इस वाले फ्लोर पर भी ज़्यादा कुछ नहीं बना हुआ, बोर हो जाओगे बहुत लोग, मेरी तरह नहीं होते बहुत लोग, बट मैं इन जनरल बोल रही हूँ, तो हम नीचे चलते हैं। ये रहा हमारा नीचे जाने का साधन। सो मैं आ चुकी हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो स्टारबक्स अवेलेबल है, स्केचर मैंने आप लोगों को दिखाई दिया था, दूसरी साइड में ये बैग वगैरह अगर आप खरीदना चाहते हो उसकी पूरी एक मिनी शॉप है ओपन वाली एंड काफी सही है। उधर की साइड आपको न्यू मी मिल जाएगा, अगर आप फोन वगैरह लेने चाहते हो न्यू मी का देन आप ले सकते हो। एंड ये आपको जो सर्दियों के ब्लेजर्स वगैरह हैं वो मिल जाएंगे एंड काफी ज्यादा यहाँ पे ब्रांड्स वगैरह मिलेंगे। यहाँ पे ना एक सुपर मार्केट भी है आई गेस उधर की साइड, मैं अभी दिखाऊंगी, भाई काफी सही है वहाँ पे ना, आप लोगों को काफी ज्यादा डिस्काउंट में चीजें मिल जाती हैं। इवन पता है मॉल्स वगैरह में अब तो ये चल रहा है क्योंकि ये एंड ऑफ द सीजन है, एंड ऑफ द ईयर है, दैट्स वाई यहाँ पे ना वो काफी ज्यादा डिस्काउंट वगैरह अवेलेबल है, डोमिनोज वगैरह अवेलेबल है। नीचे मैं जा रही हूँ ना, सामने आप लोग देख रहे होंगे सुपर मार्केट है नीचे की साइड, एंड वहां पे आप लोगों को भी डिस्काउंट मिल जाएगा, काफी सही है। मेरे को ना मॉल्स वगैरह में जाना इसीलिए पसंद है,
खासकर एंड ऑफ द सीजन या फेस्टिव सीजन चल रहा हो तब, क्योंकि वो लोग ना डिस्काउंट देते हैं। एंड आप लोग ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, ऑनलाइन भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट मिल जाते हैं। एंड नीचे ना मेरे को आके बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि नीचे यहाँ पे एक तो शायद वो था DIY था, एंड काफ़ी सारे ब्रांड्स थे। अगर आप गेम वगैरह खेलना चाहते हो तो गेम्स के लिए यहाँ पे अलग गेम जोन भी है, काफ़ी सही था, मेरे को अच्छा लगा ये सब। एंड यहाँ पे अगर आपको ये बैग्स वगैरह लेने जाने के लिए वो ले सकते हो, डेकोरेशन के लिए सामान लेना है, भगवान जी का जो सामान होता है वो लेना है वो ले सकते हो। एंड इधर की साइड जो मिनी मिनी शॉप्स है ना यार, वो बहुत ज़्यादा क्यूट क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट है लिटरली। यहाँ पे ना नेल आर्ट वगैरह की जो मिनी मिनी शॉप्स थी भाई, मेरे को ना इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया उन्हें देख के। एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स वगैरह हैं। एंड ये स्काई जंपर की यहाँ से आप लोग टिकट वगैरह ले सकते हो, आई थिंक 1000 या 1200 रुपये की है। तो अगर आप चाहते हो अपने बच्चों को स्काई जंपर पे एंजॉय करवाना तो करवा सकते हो यहाँ पे आके, एंड काफी सही है ये ना, मेरे को सही लगा स्काई जंपर। और इधर की साइड ये देख रहे हो ना, कितना सुंदर डेकोरेशन का सामान मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ना बहुत ज्यादा महंगा मिलता है, मेरे को ऐसा लगता है। यही वाली चीज मैंने बाहर भी देखी है, और जो कि यहाँ बाहर सस्ती मिल जाएंगी ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज्यादा महंगा मिलेगा। एंड ये स्काई जंपर से इधर की साइड जब जाएंगे तो यहाँ पे ना ट्रेंड्स वगैरह मिल जाएगा, मैक्स मिल जाएगा, काफी सारे यहाँ पे ब्रांड्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एंड यहीं पे मैंने ना एक पिंक कलर की नेल आर्ट की शॉप देखी थी जो कि मेरी फेवरेट थी, एंड ये है यूनिक्लो है शायद, नहीं ये किड्स सेक्शन का कुछ है। एंड ये वाला देख रहे हो ना, सो स्वीट।